गुना के चाचोड़ा को जिला बनाने पर मकसूदनगर क्षेत्र के लोग वीडियो जारी कर दे अपनी मांग। प्रतिक्रिया, मकसूदनगर सहित क्षेत्र के लोगों की मांग है कि चाचोड़ा को जिला बनाया जाए तो जिला मुख्यालय मकसूदनगर को ही बनाया जाए, क्योंकि मकसूदनगर बीच सेंटर में है। वहीं लोग अपने अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और सभी मांग कर रहे हैं कि चाचोड़ा से अच्छा है कि मकसूदनगर को ही जिला मुख्यालय बना दिया जाए। और मकसूदनगर के पास कोलारस का वीडियो में कई लोग सरकारी जमीन भी बता रहे हैं। अगर मकसूदनगढ़ जिला मुख्यालय बनता है तो मकसूदनगढ़ में गौशाला आसानी से बन जाएगी और मकसूदनगढ़ में कॉलेज बस स्टैंड की समस्या भी आसानी से दूर हो सकेगी। यही कारण है कि लोग मकसूदनगढ़ को जिला बनाने की और जिला मुख्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं। भैया, जो विधायक महोदय चाचोड़ा जिला बनाने का सोच रहे हैं, तो वो सही है या आपकी कोई राय हो तो राय दो। मेरी राय तो ये है जगदीश जी बाबू, अगर विधायक जी अगर मकसूदनगढ़ को जिला बनाया जाए तो और अच्छा होगा। यहाँ पास में कोलरस की पठार 300 बीघा जमीन पड़ी हुई है, उसमें सारे कार्यालय बन जाएंगे और बीच सेंटर में मकसूदनगढ़ आता है, इसलिए हमारी राय तो है कि मकसूदनगढ़ को ही जिला बनाया जाए। थैंक यू भैया। हमारे सम्माननीय विधायक महोदय जी जो जिला चाचोड़ा बनाने का सोच रहे हैं, वो सही है या आपकी कोई राय हो तो राय बताओ। वैसे तो जिला मकसूदनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जमता भी है और चाचोड़ा दूर भी है, और वैसे चाचोड़ा से तो गुना अच्छा था। तो इसमें क्या है कि 4-5 तहसील भी आती है पास पास में, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर, जैसे लठेरी है, सिरोंज है और कुमराज है, मतलब मकसूदनगढ़ बीच सेंटर में आता है। तो जिले के काबिल मकसूदनगढ़ ही अच्छा रहेगा। और यहाँ कोई अगर मान लो जिला बनता है तो कोई शासकीय जमीन पड़ी हुई है, जमीन कोलरस मकसूद राघोपुरा के बीच पठार में 300-350 बीघे जमीन है, उसमें कोई दिक्कत कभी से कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी जमीन के बारे में कोई कमी नहीं आ सकती है। और भी अधिक से अधिक जमीन भी और भी हर जगह पे है। ठीक, जैसे चाचोड़ा जिला बना रहे हैं हमारे विधायक महोदय साहब सोच रहे हैं, तो आपकी क्या राय है भैया? हमारी राय तो ये है चाचोड़ा से तो गुना ही अच्छा था जिला। अगर बनाने चाहते हो विधायक महोदय जी से भी हमारा यही निवेदन है कि अगर बनाना ही चाहते हो तो मकसूदनगढ़ के लिए बनाइए जिला। हाँ, ताकि जिले के लायक जगह भी है और दूरी भी कम होती जा रही है, पास पास में तहसीलें आ गई हैं, तो अगर हो सकता तो इसको करें आप। और अगर इसको जिला बनाते हैं तो आसपास कोई शासकीय जमीन है जो जिसमें मुख्य जो सरकार की कोई बिल्डिंग वगैरह बन सके? जगह तो पड़ी है, कोलारस पे पड़ी है और सरकार चाहे तो कहाँ जगह नहीं मिल सकती। हम पत्रकार साहब एक निवेदन करते हैं पत्रकार महोदय से, विधायक महोदय से, कि मकसूदनगढ़ जिला बनने के उसका कारण है, एक तहसील लठेरी पास में, दूसरी सुगलिया पास में, तीसरी चाचोड़ा, चौथी मकसूदनगढ़ और कुमराज। तीसरी बात कि यहाँ शासकीय इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है, भूमि, कोर्ट, न्यायालय, दुनिया भर बन सकता है इसमें। कोलारस पठार 350 बीघा पड़ी है इसमें, ताकि ये चीज़ें और आजू बाजू सब रोड भी साइड में आ रहा है, जैसे भोपाल भी पास में पड़ रहा है राजधानी भी, तो ये सबसे सुविधा है। चाचोड़ा आउट में, मकसूदनगढ़ बीच सेंटर में, तो ये सबसे अच्छी सुहानी बात है। तो हमारा कहना यही है कि विधायक महोदय से, पत्रकार लोगों से, कि यही की मांग करा है मकसूदनगढ़ जिला, क्यों कि उसमें कारण आ रहा है, आपके 5 तहसील इस प्रॉपर्टी में आ रही है। अब चाचोड़ा हम कहाँ से लटेरी वाले ने आउट में आ रही, सुटाले वाले आउट में लग रही, और मकसूदनगढ़ प्रॉपर में बिल्कुल आपका बीच सेंटर लग रहा है, राजधानी आपकी 90 किलोमीटर पड़ रही। तो जनता का भी कहना यही है कि हमारे विधायक महोदय अगर यह रुचि ले तो और अच्छा बात। सम्माननीय हमारे विधायक महोदय जी
से निवेदन है कि जो चाचौड़ा जिला बनाने का जो प्रयास चल रहा है उससे अच्छा तो हमारे मधुसूदनगढ़ को जिला बनाए, जिससे कि हमें सब तरह की सुविधा होगी, पास भी रहेगा। नहीं तो गुना ही ठीक था, और हमारे मधुसूदनगढ़ के आसपास 3-4 तहसीलें लगी हुई है, तो मधुसूदनगढ़ लगभग 20 सेंटर में आता है। इसमें यहाँ शासकीय ज़मीन भी पड़ी हुई है, तो शासकीय जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए काफ़ी जगह पड़ी हुई है। तो सम्माननीय विधायक महोदय जी से हमारा निवेदन है कि मधुसूदनगढ़ को जिला बनाए। धन्यवाद धन्यवाद।